नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार बीजेपी हुकूमत की हट धर्मी बरकरार। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया का नाम निहाद दावेदार भारत ने सिखों को मजहबी रसूमात की अदायगी से रोक दिया और बीजेपी सरकार ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। शकरगढ़ करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 481वीं बरसी की तकरीबात 3 दिन से जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से यात्रियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए आ रही है। इस मौके पर यात्री रिवायती इबादत अरदास में शिरकत, मुतबर्रकियात की जियारत के साथ साथ भारतीय सरहद तक नगर कीर्तन का जुलूस भी निकालेंगे। पाकिस्तान ने इंसदादे कोरोना इंतजाम मुकम्मल करके भारत को करतारपुर राहदारी खोलने के लिए 27 जून और 27 अगस्त को 2 खत लिखे, ताकि इंडिया में रहने वाले सिख यात्री बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत कर सकें, लेकिन भारत हुकूमत ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब 2 दिन पहले भारत में मजहबी आजादी की अबतर सूरत हाल के हवाले से अमेरिका के 14 सेनेटर्स ने वजीर खारिजा माइक पंपियो के नाम खत लिखकर भारत को मजहबी आजादी के हवाले से फेहरिस्त में 72 मुल्कों में शामिल करने का मुतालबा किया था। खत लिखने वालों में 10 रिपब्लिकन और 4 डेमोक्रेट सेनेटर शामिल हैं।